सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर जावा स्क्रिप्ट नाम का, और उस फोल्डर को आप सबलाइम या वीएस कोड आप जो भी यूज करते हो है ना, उस पर फाइल ओपन करके फोल्डर ओपन कर लो। ये तो करना सबको आता है ना, सब डिजाइनिंग सीख रहे हो, पुराने हो। सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर जावा स्क्रिप्ट बना लो, उसको सबलाइम पर फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करते हैं ना, ओपन फोल्डर करके ओपन कर लो, है ना। सबको इतना तो अब आता है ना, बेसिक चीजें सबने कर लिया। अब देखो, अब अगर मैं सिंपल रिएक्ट की बात करूं, नोड की बात करूं, अगर मैं नोड को ओपन ओपन करता हूं, तुम भी इसी बैच में रहोगी सोनम साहू, इस वाले में रहोगी कि ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैस उसी में रहोगी, आयुषी तुम कौन से में, इसी में रहोगी आयुषी? ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नोड जेएस, है ना। तो देखो सब जगह क्या लग क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट, है ना। अब यहां पे आओगे, क्या कह रहा है रिएक्ट पर सीखने के लिए, जावास्क्रिप्ट। मोंगोडीबी सीखोगे तो जावास्क्रिप्ट, मतलब जो भी हमें बैकएंड कुछ भी सीखना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए अच्छे से, जावास्क्रिप्ट, है ना। सबसे पहले आप क्या करो, एक बनाओ फाइल a.html के नाम से, सिंपल सी बना लो फाइल, फाइल नाम आती है सबको, a.html। आप समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, बताएगा सब लोग जावास्क्रिप्ट। अगर मैं फाइल a.html, सिंपल a.html, ठीक है, सबलाइम है, वीएस कोड जिस पर आपको ओपन करना है उस पर आप ओपन कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, बेस्ट माइक बंद कर लो, माइक किसी का ऑन है। मैंने गूगल पर सर्च किया कि वेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे, वेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो लिखा वेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2023 में। तो इसने मुझे क्या बताया, सब सुपर दिख रहा है आपको, क्या दिखा रहा है वो, जावास्क्रिप्ट। तो एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, पॉइंट समझ आ गया। अब मैं यहां थोड़ा क्लिक करता हूं देखो पहले ऊपर नहीं आता था, अब देखो सब सुपर दिखा रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, वैसी जावास्क्रिप्ट भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा था आपको सी नहीं आती, C++ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे आसानी से, ठीक है। नीचे आते जाओ, देखो देखो ये सारी चीजें, देखो जितने देखो चल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, जावा, PHP, सी, सी एंड C++, है ना, HTML, CSS, देखो नीचे आते जाओ, जावास्क्रिप्ट, देखो क्या लिखा हुआ, ये जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल समझते हैं आप लोग, हाई लेवल, मैं ज्यादा थोड़ी नहीं पढ़ाता, थोड़ा पॉइंट समझाता हूँ, हाई लेवल समझते हो, आपको पता होगा, बताओ हाई लेवल क्या होती है। और बाकी लोग और बता, हाँ सिंपल सिंपल सा पॉइंट, जावा स्क्रिप्ट जो हाई लेवल, हाई लेवल का सिंपल सा मतलब होता है वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई होती है या यूजर फ्रेंडली होती है। क्योंकि तो देखो सिस्टम क्या समझता है आपका, आपको पता है ना, 01 है ना। अब 01 के अंदर आप कोडिंग करने बैठ जाओगे तो कोई कोडिंग हम पे, तो जो जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, ये सब है क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई है उसको हम हाई लेवल पहले बोलते हैं, जो यूजर फ्रेंडली है, जो हम आसानी से समझ सकते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश वर्ड लिखी है ना हम आसानी से समझ लेते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। क्या होना, पहले तो जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। बाकी देखो थोड़ी दी, और देखो सबसे मेन पॉइंट,
क्या है, ये कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज तो लिखा है। और देखो कितना बड़ा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो आप जो लाइन गूगल पर सब लिखा रहता है, थोड़ी इसलिए मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ। तो क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है, क्लाइंट साइड में, मगर अब क्या पे होने लगा है, सर्वर साइड में भी होने लगा है। जब से नोड आया ना, जब से नोड आया, नोड जेएस, तब से क्या हो लगा, अब सर्वर में हो लगा। अब नोड जेएस की मदद से बैकएंड वाला भी काम करने लगे हैं। पहले जावास्क्रिप्ट चलती थी वो क्लाइंट साइड थी, क्लाइंट साइड समझते हो आप लोग, क्लाइंट साइड जानते हो क्लाइंट साइड क्या होती है। जैसे सिंपल सा ये फॉर्म है मेरा, ठीक है, अब मैंने एक फॉर्म बनाया, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, आप लोगों ने मेरे यहाँ सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, याद होगा सबको। तो अब मांगे चलो मेरा आईटीएम, मेरा आईटीएम कॉलेज से टाइप हो जाए, आईटीएम कॉलेज है ना आप लोगों का, उससे मेरा टाइप हो जाए। आईटीएम वाले बोले कि देखो मेरे यहाँ से जो भी बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आएगा ना, उससे आप जो महीने की फीस जो आप 5,000 लेते हो ना, उनसे आप 4,000 रुपये लेना, ठीक है, ये हमारा उनसे टाइप हो गया। तो अब क्या होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म पेज लिखा है ना कॉलेज, जैसे ही बच्चा ये आईटीएम भरेगा, आईटीएम पे क्लिक करेगा ना, तो मैं यहाँ पे एक बना दूंगा एक ऑप्शन, और जो फीस यहाँ दिख रही होगी ना 5,000 रुपये, वो कितनी दिखने लगेगी फिर यहाँ पे, 4,000 दिखने लगेगी, ठीक है। मगर वो दिखेगी कब बताओ, जब आप आओगे पीएन इन्फोसिस का जो फॉर्म वेब फॉर्म खोलोगे, ठीक है, फिर आप नीचे आओगे कॉलेज डालोगे आईटीएम, तभी तो यहाँ पे 4,000 फीस होगी कि सब लोग, तभी तो होगी कि नहीं होगी। जैसे आप आईटीएम वाले आपसे बोल रहे हैं कि जाओ पीएनएन फोर्सेस में पढ़ लेना, आपकी फीस 4,000 लगेगी, जाके रजिस्ट्रेशन कर दो, तो पहले आप मेरी वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, तब जाके फीस आपकी 4,000 होगी। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ काम कर रही है, कब काम करी जावास्क्रिप्ट ने, जब आपने ये फॉर्म खोला, जब आपने यहाँ पे आईटीएम पे क्लिक किया, मैंने जावास्क्रिप्ट कहाँ लगा रखी है, इस आईटीएम पर, जैसे आप आईटीएम सेलेक्ट करोगे वैसी फीस 4,000 हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट को मैंने कहाँ लगा रखा था, इस बटन पर यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट को चलाया किसने, फॉर्म कौन भर रहा है, आप ही लोग तो भर रहे हो, क्यों सब लोग फॉर्म आप ही तो भर रहे हो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फॉर्म आपने भरा, और जैसे आपने, तो अब फॉर्म भरने के लिए जावास्क्रिप्ट एकदम चली नहीं, पहले क्या हुआ, पहले वेबसाइट लोड हुई, फिर आप कॉलेज पे आए, आईटीएम सेलेक्ट किया, तब यहाँ पे काम किया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पहले जो जावास्क्रिप्ट होती थी ब्राउजर पर रन होती थी, ब्राउजर ही तो वाला, ये हमारा क्या है, ये ब्राउजर है, ब्राउजर, पहले जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पर रन होती है, अभी भी रन होती है, अब हमारे सिस्टम में भी रन होने लगी है जब से नोड जीएस आया। तो आप दोनों सीखोगे, ब्राउजर वाला भी सीखोगे और सिस्टम में रन करने वाला भी सीखोगे आगे चल के जब नोड पे काम करोगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लाइंट साइड क्या होता है ना, तो ब्राउजर चलता है। अब देखो और ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 9.7 लिखा ना, 97.8% लिखा ना, देखो ऑल वेबसाइट, और देखो लिखा था ना थोरी यहाँ पे लिखा ना जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और बाकी थोरी आप पढ़ लेना आराम से, देखो देखो लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, द एवरेज जावा डेवलपर है ना। चलो अब नीचे आते हैं। ये तो थोड़ा समझा दिया मैंने, अब एक पॉइंट आप और बताओ, सी पढ़िए सबने, पहले तो आपने क्या देख लिया कि जावास्क्रिप्ट हाई लेवल है ना, क्लाइंट साइड है ना, और एक नाम बड़ा सुना होगा आपने, सी पढ़िए सबने, सुना होगा सी का नाम सबने, सुनिए सबने सी, बोलिए बोलो सी में जब प्रोग्राम रन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है सी के अंदर, रन करते टाइम पर कंपाइल होता है और फिर इकट्ठी एक साथ एरर आती है 40-50 आती ना, याद है ना, सबने चलाया ना ब्लू स्क्रीन में आपने कंपाइल, सी में क्या होता है, सबसे पहले कंपाइल होता है, वो सारी एरर को इकट्ठा कर लेगा, फिर आपको दिखाएगा, फिर आप वो सारी एरर को ठीक करते हो, ठीक है। और अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इंटरप्रेटेड, जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, अब जो आप पढ़ रहे हो लाइन नंबर लाइन कोड चेक हो रहे हैं, अब क्या हो रहे हैं कोड, अगर आपकी गलती लाइन नंबर 3 पे आ गई तो वो एरर में क्या कहेगा कि भैया आपकी गलती लाइन नंबर 3 पे है, पहले उसको आप ठीक कर लो, समझ आया कि नहीं आया, है ना। और दूसरा सी में हमें क्या यूज करना पड़ता है, हर जगह पर इंटीजर याद है, करेक्टर, फ्लोट याद है सबको, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे यूज नहीं करनी पड़ेंगी कुछ भी, ठीक है ना, समझ आ गया इतनी बात। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड, ठीक है, डेटा डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब सी के अंदर आप प्रिंट किससे करते थे,
क्या था किसी प्रिंट है। और पाइथन में किससे करते हो? प्रिंट से करते हो, करते हो, सबको याद है ना। अब देखो, अब जावास्क्रिप्ट में प्रिंट वाला काम कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक चल रहा हूं। देखो, जिसने कभी ना सी पढ़ी ना सी प्लस प्लस पढ़ी, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर तुमने दोनों चीजें पढ़ लोगे। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सी सी प्लस प्लस पाइथन की कंसेप्ट सब पढ़ लोगे, देख लेना। इसने पढ़ी है और मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं, बता देना कि पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने सारी चीज उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कैसे रन प्रिंट करते हैं, हमने लिखा एचटीएमएल सिंटेक्स प्लस एपीआई, लिखा सिंटेक्स एचटीएमएल का। तो एचटीएमएल सबको आता है ना, सब पढ़े हुए एचटीएमएल। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक होता है इन पेज, एक होता है एक्सटर्नल। सी पर वो पढ़ी है ना आपने एचटीएमएल सीएसएस। सीएसएस तीन टाइप की होती है, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल। तो ऐसी जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक इन पेज ऐसे स्क्रिप्ट ऐसे लगाते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को एंड किया, ठीक है। स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड दिखाया था मैंने डिजाइनिंग में भी, आप डिजाइनिंग सीख के आए, सबको दिखाया था ना। हेड के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट लगाते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट वाला भी काम करते हैं, तो सारा कुछ वही है। तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, माइक बंद कर देना। मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखा मैंने हेलो क्वालियर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये काम किसका करता है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने का काम करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेव किया, रन किया ब्राउजर पर, देखो लिखा आ गया हेलो बर्ड, दिख रहा है हेलो बर्ड। अब इसको अगर मैं एच में लिख के देखूं फर्क पड़ता है क्या, आप देखो यहां पर ठीक है, फर्क पड़ता है। देखो एस्टीमेट टैग यूज कर लेते हैं हम, दिख रहा है। तो प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। और यहां पे सेमी कॉलम लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे नोड के अंदर, रिएक्ट के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर है ना, प्रिंट करने के लिए, क्योंकि जब डेटा उठ के आता है ना डेटाबेस से, मांग चलो डेटा उठ के आया मोंगोडीबी से, हम एकदम तो ब्राउजर फ्रंट एंड पे शो करा नहीं देंगे। तो पहले हम कहाँ चेक करते हैं, कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने यहाँ पे हेलो आईपीएम। अब ये कंसोल कहाँ प्रिंट करेगा, कुछ सिखाया था जब स्टार्टिंग में डिजाइनिंग सिखाई थी, इंस्पेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, देखो दिख रहा है कंसोल में हेलो आईटीएम। हम सबसे ज्यादा कंसोल का यूज करेंगे अपने नोड के अंदर, एक्सप्रेस के रेड के अंदर। मैं एलिमेंट एलिमेंट सीख चुके आप लोग, स्टाइल सीख लिया, कंसोल देखो, अभी आगे चल के नेटवर्क देखोगे, नेटवर्क क्या होता है, एपीआई पे जब काम करोगे है ना, फिर आगे चल के ये देखोगे एप्लीकेशंस क्या होती है, सारी चीजें काम की है, टोकन स्टोर होता है वो देखोगे आगे चल के, है ना। ये सारी चीजें हमारे लिए बनी हुई हैं डेवलपर के लिए। जब आगे चल के रिडक्स सीखोगे तो उसमें रिडक्स सीखोगे, रिडक्स क्या होता है देखो ये, है ना, ये बनाया था। तो इतना समझ आया, ब्राउजर के लिए क्या यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और कंसोल के लिए कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने के लिए। ये कौन सा हमारा है इन पेज, हाँ कंसोल में, ब्राउजर में उसको नहीं होता कंसोल। अब इसका यूज क्या है, अब मान के चलो तो मोंगो डीबी से डेटा लेके आ रहे हो, अब फ्रंट एंड में तुम्हें डेटा शो कराना है, अब फ्रंट एंड पे एकदम तो शो करा ही नहीं दोगे। अब क्या, अब पहले तो ये कंफर्म नहीं हो पाया, अब तुमने फ्रंट एंड डेटा शो करा लगा दिया, फ्रंट एंड तुमने कोड कर दिया, अब डेटा शो नहीं हुआ, अब तुम्हें ये कैसे कंफर्म होगा कि तुम्हारी गलती फ्रंट एंड पे हो रही है कि बैक एंड पे हो रही है, कैसे चेक करोगे बताओ। अब तुम सोचो कि फ्रंट एंड में कुछ कोड गलत तो नहीं कर दिया हमने, फिर तुम सोचो कि मैंने बैक एंड में कोड गलत तो नहीं कर दिया, तो कंसोल से क्या फायदा मिलेगा, जो डेटा आ रहा होगा ना डेटाबेस से उसको मैं कंसोल में चेक कर लूंगा। यहाँ पर कंसोल में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, ये इंस्पेक्ट किया, और यहाँ कंसोल में दिख जाएगा कि हाँ डेटा उठ के आ गया। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि बैकएंड से डेटा उठ के आ गया है, तो अब मुझे फ्रंट एंड पर शो कराना है। अब अगर कोई गलती आती है तो वो गलती कहाँ पर रहेगी, फ्रंट एंड में तो रहेगी, क्यों सब लोग
बोलो, समझ में आ रहा है ना सबको? शांत सब बैठे हैं, है ना? हाँ बोलो बोलो। तुम्हारा नेटवर्क गलत आवाज, नेटवर्क सही चल रहा तुम्हारा नेट। हाँ तो डॉक्यूमेंट समझ आ गया? डॉक्यूमेंट ब्राउजर, ब्राउजर प्रिंट करने के लिए होता है ना? और कंसोल, कंसोल कहाँ प्रिंट करता है? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे और ये आ गया कंसोल, ये यहाँ कंसोल प्रिंट होता है। ठीक है यहाँ पे कंसोल प्रिंट करते हैं और आगे चल के हम जो यूज करेंगे ना नोड में, सबसे ज्यादा कंसोल ही यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है मेरा इन पेज जावास्क्रिप्ट, और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब मैंने क्या किया, एक बनाई फाइल मैंने ए डॉट जेस नाम से। ठीक है, एक बनाई फाइल मैंने ए डॉट जेस नाम से। ठीक है, ये फाइल बनाई देखो, ए डॉट जेस, ठीक है ना? अभी बनाई थी मैंने क्या, ए डॉट एच टी एम एल नाम से, ए डॉट एच टी एम एल, और एक बनाई मैंने फाइल ए डॉट जे एस। तो अब मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कॉल करानी है, जैसे आप लोग कॉल करते थे ना एक्सटर्नल सी एस एस, वैसे ही मैं कॉल करानी होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट को ज्यादातर नीचे कॉल कराते हैं बॉडी के एंड में, क्योंकि तो जावास्क्रिप्ट यूज में कब आती है, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी तभी तो जावास्क्रिप्ट काम करेगी। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखते हैं, स्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एस आर सी और लिखा ए डॉट जे एस। ये कौन सी हमारी जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ से जी मैंने कॉपी कर ली है दोनों चीजें और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ कर दिया, चलिए ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये कॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, तो हमारी दोनों कॉल हो गई, इनलाइन भी हो गई और एक्सटर्नल भी कॉल हो गई। देखो देखो आगे दोनों, समझ आया? इतना पार्ट समझ आ गया, इनलाइन और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे कॉल करते हैं। इस हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं अरे ये जब यहाँ लिखा है ना कंसोल, तो ये कंसोल में शो होता है, यहाँ पे कंसोल में ये, हाँ, ये कंसोल में शो होता है ना, यहाँ पे लिखा है ना कंसोल डॉट लॉग, तो ये कंसोल में ही शो होता है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ प्रिंट होता है? बस तो अब बताओ इसमें क्या डाउट है? कंसोल लॉग का अभी आगे चल के यूज होगा ना, मैंने बताया ना, हाँ जो प्रिंट करने का पता है प्रिंट। अरे जैसे तुमने पाइथन में क्या यूज करते हो, प्रिंट का यूज करते हो? चलो अब सिंपल यहां समझो कि प्रिंट करने के लिए क्या यूज करोगे। ठीक है, अब जैसे मोबाइल में, अब सुनो तो, जैसे मोबाइल में फोन काटने के लिए किसका यूज करते हैं? रेड बटन का, उठाने के लिए ग्रीन बटन का। सिंपल, यहां पे भी प्रिंट करने के लिए किसका यूज करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट रेड का। जब भी आपको प्रिंट करना होगा तो ये लिखोगे, जब भी मोबाइल में बटन फोन काटना होगा तो रेड बटन का तो यूज करते हो, कुछ और यूज करते हो उसी से काटते हैं, तो बहुत सिंपल समझो आप देसी भाषा अपनी। ठीक है, कंसोल का यूज नहीं समझ में आ रहा है भी हटा दो, परेशान ना हो लो, इतना समझ आ रहा है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है। चलो ठीक है, आ गया। तो जब भी ब्राउजर पे प्रिंट कराना होगा तो किसका यूज करोगे? ब्राउजर पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। और ठीक है, और ये कौन सा वाला है अभी जो आपने यहाँ हेड के अंदर लिखा है, ये कौन सा है? इन पेज। ठीक है, और ये नीचे कौन सा है? एक्सटर्नल। बस इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, तो चलो पहले इतना नोट करके चला के देखो। बनाओ दो फाइलें, जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर तो बन गया होगा ना सबका? ठीक है, उसके अंदर बना लो दो फाइलें, ए डॉट एच टी एम एल, ए डॉट जे एस।
नोट करो। एड्रियाना को सीखी है ना तुमने? उसने कहा था मुझे अभी एसटी में कुछ नहीं आता। तो किसने कहा था कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती? हाँ एक मिनट, ऐसे लगती है देखो, सिंपल ये लगाना, एक्स में साइन लगाना ऐसे और एंटर दे देना। अपने जैसे भी लगाओगे ना तो अपने आप आएगा, एंटर दे देना। ठीक है, वैसे तो सी में कर लो। हाँ जी, बताओ किसने कहा था कि मुझे सी सी में कुछ नहीं आती? हाँ दिव्या, डिजाइनिंग तो सीख रहे हो ना? हाँ तो बस फिर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो कोड समझ आ रहे होंगे ना जो लिखे हैं? ठीक है, आ जाएगा। हाँ, इसी में कहा था सब लैम पे कर लो। अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, आई बता रहा हूँ। हाँ सब तो सब वैसे ही करते हैं। आई बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, पहले इतना सब नोट करके चला के देखो। हाँ तो बस फिर दिक्कत क्या, फिर राइट क्लिक करो, आ रहा होगा लाइव सर्वर के चलाने के लिए ना। एक्सटेंशन एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लो, उसमें वीएस कोड आता है ना। वीएस तभी मैंने कहा सब लैम पे कर लो, सभी सब लैम पे काम कर लो, रट्टा खत्म करो। एक मिनट, हाँ अभी बता दूंगा। पहले इतना नोट हो गया सबका, नोट करो पहले इतना। वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं उसके अंदर। देखो अब सब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो सब लोग है ना आराम से, मैं तो तामझाम लिख ही रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूजन ना हो करें। देखो अब मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर क्या, मैं लिखा देखो एक वेर होता है, देखो वेरिएबल समझो, मैं यहाँ लिखा ए इक्वल टू, लिखा यहाँ पे मैंने राम। तो मैं इस ए के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूं बताओ सब लोग, राम ही तो कर रहा हूं ना, सबको पता है ना। इस ए के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, राम। तो ए क्या, एक ये क्या होता है, कि एक वेरिएबल होता है, पता है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं वी इक्वल टू 20, तो वी क्या है, वी एक वेरिएबल है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। जो वैल्यू है ना ये है ना, ये इसमें स्टोर कर रहे हैं वी के अंदर, इसको तो वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना। तो अब देखो, अब जावा स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है, एक होता है वेर है ना, और एक तरीका होता है लिखने का लेट, एक तरीका होता है कॉन्स्टेंट। तीन तरीके से हम लिखते हैं, और वेर का तो यूज बहुत बंद ही हो गया होना, अब वेर का तो यूज ही नहीं होता, तो यूज होते हैं हम लेट और कॉन्स्टेंट, मगर हम तीनों समझेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं लिखा वेर ए इक्वल टू, पहले मैं वेर समझा रहा हूँ अच्छे से, ए इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पे राम, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दिया। तो ए क्या है, एक सब लोग, ए क्या है, एक वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर हो रहा है, राम। चेक कैसे होगा, चेक कैसे होगा कि राम स्टोर हो रहा नहीं हो रहा है, प्रिंट करना पड़ेगा फिर तो, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने यहाँ पे ए, चेक करें ब्राउजर पे कि ए में क्या आ रहा है, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा भैया राम ही आ रहे हैं। देखो राम आ रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया ना, ए में क्या स्टोर हो रहा है, राम स्टोर हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, कि ए जी क्या है, करेक्टर है क्या है, स्ट्रिंग है, कुछ लिखना पड़ा यहाँ पे कहीं, पता है सब लोग, यहाँ पर कहीं डिफाइन करने पड़े हमें डेटा, नहीं करने पड़े ना, अपने आप वो समझ गया वो कि हाँ जी ए कैसा, ए क्या है, एक जी स्ट्रिंग है, ये वो अपने आप ही समझ गया, आपको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहानी खत्म हो गई प्रोसेस अब। ठीक है, ऐसे में लिखा वेर वी स्क्वायर टू, मैंने लिख दिया 1 2, ये नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, तो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट डबल है,
समझा कि वो कहानी खत्म हो, फिनिश हो गई है। तो मैंने लिखा बी, फिर बी प्रिंट हो गया, देखो 23 ऐसे में लिखता हूँ यहाँ पे, वेयर सी इज इक्वल टू 0.5 फ्लोट वैल्यू ले ली मैंने, तो दिखाया फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ सी क्या लगा देख लो। देखो अरे मतलब कुछ लिखने की आपको यहाँ जरूरत नहीं है, अब जानते हो ट्रू फॉल्स क्या होती है सब लोग, ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू, हाँ होती है ना बुलियन वैल्यू, होती है ना ट्रू फॉल्स, है ना 0-1 को ट्रू फॉल्स बोलते हैं, है ना। मैंने लिखा डी, अब देखो प्रिंट हो गया, देखो ट्रू हो गया, देखो मुझे कहीं बताना पड़ा कि ये बुलियन वैल्यू है, तो अपना समझ रहा है प्रिंट कर रहा है मेरा। अब देखो ऐसे आता सी, अब देखो अब मैंने अब लिखा एरे, ये साइन किसका होता है, ये मैं साइन लगाएंगे एरे का, हाँ ये साइन होता है एरे का। दिव्यांश अग्रवाल का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पुराना वाला मैंने ऐसे क्या पढ़ा दिया, फिर नहीं तो पुराने वाले में तो हुआ क्या है, तो ऊपर से लेकर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा पुराने हमने क्या किया डॉक्यूमेंट, या तो आप समझना नहीं चाह पा रहे पुराने वाले में से क्या था भाई बता, प्रिंट ही तो हो रहा है सिंपल, हाँ हाँ फिर हाँ तो प्रिंट होगी ना, अब तुम्हें डिजाइनिंग भी नहीं आती इसका मतलब, तो फिर तुम डिजाइनिंग सीख के फिर, अरे भाई जिवाली लाइन, जिवाली लाइन कौन सी वाली लाइन, ए डॉट एचटीएमएल वाली लाइन, ए भगवान तुम्हारा भगवान, अरे 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 रुको रुको, अरे 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 महान महान हस्तियां हैं, ये मैंने लिखा यहाँ पे था आपको बताने के लिए भाई, आप ये फाइल बना लो, ये दो फाइलें बनेंगी आपको बताने के लिए लिखा था यहाँ पे, हाँ तो भाई वो तो प्रिंट होगी ना, वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, तुम एक काम करो तुम डिजाइनिंग सीखो, ये क्वेश्चन तो बेकार वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, तुम डिजाइनिंग ही सीखो, इसको बाद में करना मतलब नहीं है। ओके इसमें अब ये क्यों लिखा, ये साफ साफ तो समझाने लिखा हुआ है, ठीक है अब मैंने यहाँ समझा रहा हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट दो तरीके से लिखी जाती है, या आपने पहले सोच लिया कि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट दो तरीके से यूज होती है, पहला तरीका कौन सा होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका काम क्या होता है प्रिंट करने के लिए होता है, ये कौन सा है इन पेज, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यही यूज करनी है तो इसलिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट अलग तरीके से यूज कर रही है नए पेज पे, है ना, अभी तुम डिजाइनिंग में सीख के आ रहे हो ना एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, तो वही तरीका तो चल रहा है ये, अब मुझे जावास्क्रिप्ट को अलग पेज पे यूज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, a.js नाम की बनाई थी एक फाइल, तो अब उसको लिंक करना पड़ेगा इस फाइल से, इस वाले पेज से, तो कैसे लिंक करते हैं, इस तरीके से लिंक करते हैं स्क्रिप्ट लगा के, स्क्रिप्ट के अंदर src और इसके अंदर देते हैं फाइल का नाम, और फिर मैंने यहाँ पे a.js पे आके लिखा था ये, कोई तो कह रहा हूँ अगर डिजाइनिंग भी नहीं आती तो ये चीजें नहीं आएंगी भाई, ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, अब इसमें ऐसा भाई नया क्या हो गया कि जो एकदम खिचड़ी पक गई बाउंस हो गया, और तुम कह रहे ये समझ में आ रहा है, मेरे ताज्जुब लग रहा है मुझे तो ना, समझोगे तो इसमें इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो सिर्फ बताया गया कि भाई ये इनलाइन इन पेज जावास्क्रिप्ट है, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है बस, ठीक है क्योंकि अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई फायदा नहीं, फिर तो क्या समझाऊंगा। चलो अब देखो यहाँ पर सब लोग इतना हो गया, यहाँ डिजाइनिंग ना पढ़ी होती तो भाई मैं सोच भी लेता, तुमने एच टी में सी एस एस पढ़ ली, एक्सटर्नल सी एस एस पढ़ रहे हो, फूड पांडा पे आ गए हो, या तो डिजाइनिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलो अब देखो हम लोग, अब एरे मैंने क्या कहा, मेरे साथ कुछ भी ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ना आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, कभी भी जिंदगी में कोडिंग की ना हो, मैं उनको सिखा सकता हूँ अपने बैच के अंदर, पर जो सीखने वाला होना चाहिए। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे देखो एरे, ये एरे का साइन है, ठीक है एरे, तो अब एरे की डेफिनेशन क्या होती है
सी में क्या होती थी डेफिनेशन हरे की, कोई बताएगा सी की डेफिनेशन? सेम टाइप के होते हैं ना, सिमिलर टाइप के होते हैं ना, सिमिलर टाइप के डेटा स्टोर होते हैं सी के अंदर। हाँ होगा ना, ये देखो क्या होता है कि सी और जो सी प्लस प्लस जो आपके सिलेबस में होते हैं बीटेक में, हर सेम में आ जाती है सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस ये तो कॉमन ऐसी चीजें हैं जो आपके सब्जेक्ट में रहते हैं, ये जावा है ना, पाइथन, बीबी, एमएस, ये तो आपके सिलेबस में रहते हैं। सोचो, और सिलेबस में आपने सिर्फ पढ़े, पता नहीं कैसे पढ़ते फिर तो। अब देखो नहीं पाया था, नहीं सी सी प्लस प्लस तो होती है ना। हाँ बस बस, तो इतनी है ना, इतनी बहुत है। अब देखो एरे, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर डेफिनेशन क्या होती है एरे की, है ना? जावास्क्रिप्ट के अंदर डेफिनेशन एरे की होती है कि एक वेरिएबल जो ए जो सी नाम का क्या एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये डेटा को कैसे दिख रहा है, एरे के अंदर डेटा को कैसे दिख रहा है, मल्टीपल टाइप का दिख रहा है, एरे के अंदर स्टोर हो रहा है डेटा, जो सबको दिख रहा है ना। मतलब ये वो पहले क्या होता था कि वही इंटीजर इंटीजर आएंगे। अब जैसे मान के चलो मैंने आपसे मार्केट में कहा कि मार्केट जाओ और मार्केट से आलू, टमाटर, लौकी, कद्दू, भिंडी लेके आओ, तो क्या आप सबके अलग अलग बैग लेके जाओगे? बताओ, आप एक बैग लेके जाते हो, उसी बैग के अंदर आलू, टमाटर, लौकी, कद्दू लेके आते हो, तो वही एक एरे है। वही क्या है, एक एरे। वहां पे जो बैग है ना, आपके पास जो बैग है वो एक वेरिएबल, बैग क्या है एक वेरिएबल है। उस बैग के अंदर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हो उसके अंदर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम एरे कहते हैं। जो आप डेली करते हो, डेली मार्केट जा रहे हो, एक बैग लेके जा रहे हो, उसी के अंदर सामान लेके आते हो खूब सारा, तो वो एरे ही तो होता है। एक एक एरे के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं, ठीक है? सी क्या है, सी एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। मल्टीपल टाइप दिख रहा है ना सबको, और जो एरे का साइन होता है, ठीक है ना? अब जो एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है कहां से होती है, जीरो से। अब जीरो पे क्या आएगा, 12 आएगा, 1 पे क्या आएगा, राम, 2 पे क्या आएगा, ट्रू, है ना? अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करा के, देखो सी को दिखाता हूँ प्रिंट करा के, मैं एरे को ब्राउजर पे आपको, तो प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया, नहीं हो गया, देखो पूरा एक बार। मैं अब मैं इसी एरे, अब देखो अब मैं तुम्हें इसी को कंसोल में दिखाता हूँ, तो तुम्हें कंसोल में तुम्हें सही तरीके से दिखेगा एरे। देखो अभी कंसोल, अब ये कंसोल कहाँ प्रिंट होता है ना, कंसोल में एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक्सपेक्ट एलिमेंट तो डिजाइनिंग से गलत चले आ रहा हूँ, ये कंसोल में आया। अब तुम्हें कंसोल का बेनिफिट खुद ही दिख जाएगा कि मैं आपसे क्या बोला कि एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो स्टार्ट होती है। अब देखो तुम्हें सब देखिए कंसोल में, देखो कितने एरे हैं, दिखा रहा है 4 एरे हैं, ठीक है? अब देखो जीरो पे कौन सा है, 12, 1 पे राम, 3 पे ट्रू, 2 पे ट्रू, 3 पे वैल्यू। अब दिख रहा है एरे सही तरीके से, दिख रहा है, दिख रहा है? और यहाँ कहीं दिख रहा है एरे, यहाँ तो सिर्फ, यहाँ तो सिर्फ ब्राउजर प्रिंट कर रहा है ना सही तरीके से, आपको ये दिख रहा है ना कंसोल में, है ना? समझ आ गया? इसलिए कंसोल का बहुत बड़ा योगदान है, बिना कंसोल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? अब मैंने कहा कि भाई 1 का 1 वाला प्रिंट कर दो, है ना, इंडेक्स 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, घर पे पढ़ना, इतना सिंपल तरीके समझा रहा हूँ मैं, लिखा जी 1, तो 1 पे ये क्या प्रिंट करेगा, सबको बताना क्या प्रिंट करेगा। मैं यहाँ बी लगा देता हूँ, एक प्रिंट किया उसने 1 पे, राम प्रिंट किया, और अगर यहाँ पे लिख दूँ 0 तो 12 प्रिंट करेगा। देखो तो एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। देखो 4 में लिखा,
फोर में से क्या दे दिया? अनडिफाइन. अब अनडिफाइन क्यों दिया? गिनो, 0, 1, 2, 3, 4. फोर फोर कुछ है नहीं उसके अंदर, तो उसने क्या बोल दिया? अनडिफाइन. बात समझ आई कि नहीं? अरे अरे क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं. एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एरे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और इसी को पाइथन जब पढ़ने बैठोगे ना आप आगे चल के, तो उसमें लिस्ट बोलते हैं इसको. पाइथन में क्या बोलेंगे? इसको लिस्ट बोलते हैं. नाम उसका लिस्ट हो गया. ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर. अब नीचे आते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट, वेर पी स्कल टू. हाँ बोलो बोलो. हाँ, वो लास्ट लास्ट वाला प्रिंट करेगा. ये लास्ट वाला प्रिंट कर रहा है ना वो. हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ उसको, है ना. चलो अब देखो, अब आ रहा है मेन टॉपिक, ऑब्जेक्ट, जो अभी आगे चल के मोंगो डीबी में यूज होगा, सब जगह यूज होगा ऑब्जेक्ट. देखो मैंने लिखा एफ करली ब्रैकेट्स. ये जब आपको इस तरीके से कहीं कुछ दिखे, तब क्या समझोगे कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब पता ऑब्जेक्ट का कितना अच्छा बेनिफिट है? हम एरे के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, मगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टी भी स्टोर कर लेंगे, फंक्शन भी स्टोर कर लेंगे, एरे भी स्टोर कर लेंगे और ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर लेंगे. सोचो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. कैसा भी? एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, कैसा भी स्टोर कर सकते हैं. यही तो खासियत है ऑब्जेक्ट की. इसी तो पूरा मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट में चलता है, पूरा मैन ऑब्जेक्ट पे चलता है, जेसन ऑब्जेक्ट पे. जो अब देखो कैसे, वो देखो मैंने आप लिखा नेम कोलन, ये समझो मैं लिखा राम. ये क्या है? प्रॉपर्टी है. ये नेम क्या है? प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू. ठीक है, अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है. अब मैं सोचू सीधा ऐसे लिख दूं, सिटी कोलन पालियर, पालियर. तो ठीक है, तो अब ये एरर दे देगा कि आपने यहाँ पे क्या लगाया? एक ऑब्जेक्ट. तो जब आपको दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? कॉमा. ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ये घर पे पढ़ना पड़ेगा अगर सीखना है. सबसे सिंपल अगर मैं कहूँ तो बैकएंड वेब डेवलपमेंट में मन स्टैक है. अगर जावा पे चले गए और कहीं चले गए तो होल छोड़ जाएंगे. सबसे सिंपल, और किसी में भी चले जाओ, तुम जावा में चले जाओ, पीएचपी में चले जाओ, आपको ये चीजें सब जगह मिलेंगी, है ना. ये बेस है, ये बेस सबको आना चाहिए. ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मैंने लिखा फोन. ठीक है, फोन ऐड कर दिया. और भी अपन ऐड कर सकते हैं एरे ऑब्जेक्ट, जो आगे चल के आपको बताऊंगा अभी. ठीक है, अभी तो हम सिंपल क्या देख रहे हैं? एक वेरिएबल्स देख रहे हैं, वेरिएबल्स के अंदर कैसे यूज करते हैं वो समझ रहे हैं. अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं? अब एक चीज समझो, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट उसको हम ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते डायरेक्ट. सब इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं. देखो मैं लिखा एफ. ठीक है, ये भी बंद कर देता हूँ. सेव किया, ब्राउजर पे आया. देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कह रहा है हम ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, है ना. आपको अगर प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को प्रिंट कर सकते हो. जैसे एफ डॉट नेम कर लो, तो नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. देखो यहाँ पर देखो राम आ गया. तुमने कहा कि फोन प्रिंट करना है, फोन फोन, तो फोन प्रिंट कर लोगे. ठीक है, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते, है ना. अब तुमने कहा कि नहीं सर हमें तो प्रिंट करा के दिखाओ, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम ब्राउजर पर प्रिंट कर पाएंगे. वो मांगे चल के सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं ब्राउजर पे. ये सारे टॉपिक हैं, ये जी एरे ऑब्जेक्ट ये टॉपिक हैं पूरे ये. मगर मैं तुम्हें कंसोल में दिखा सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है,
जैसे आपने एरे देखा, ऐसे मैं कंसोल दिखा रहा हूं, देखो राइट क्लिक किया, एक्सपेक्ट किया, और आप कंसोल देखो। इन चीजों को अपनी आंखों में कैद कर लो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एरे ऑब्जेक्ट, क्या नाम था, एफ, देखो इसको कंसोल में देखो, इनको आंखों में कैद कर लो। ऑब्जेक्ट देखो कैसे दिख रहा है, सबने देखा ऑब्जेक्ट, दिख रहा है सबको ऑब्जेक्ट यहाँ पे, देख लो, देख कॉमा लगाए, कॉमा लगाए, कॉमा लगाए, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ आ रहा है कंसोल का मतलब, है ना। अब कंसोल नहीं दिखाऊंगा, अब तो आप चेक कैसे देखोगे कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। अब देखो जो रिएक्ट दिख रहा है, रिएक्ट जे अगर मैं इस पे क्लिक करूं गेट स्टार्टेड पे, आगे चल के मैं यहाँ पे आया कोड पे रिएक्ट के, और देखो अब तुम थोड़ा थोड़ा नेक, अभी तो मैं थोड़ा तुम्हें नेक बताया। देखो अभी ये टॉपिक देखा अपन ने, ये क्या है, आप समझ में आ गया तुरंत। अभी तो आगे चल के ये पूरे कोड समझ में आने चाहिए, तभी तो हम पढ़ना पढ़ पाएंगे। समझ आया, बेसिक कोड नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ नहीं पाए तो आगे चल के कैसे काम करोगे, है ना। चलो नोट करो इसको, मेरा पूरा फोकस बेस पे रहता है, इसका बेस मजबूत है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा ना चीजें। मैं तो क्या करता था अपने टाइम पे, नहीं समझ आया तो रट ही रहा हूँ चीजों को बैठे बैठे। अब जब भी कोई एरर आती है ना, एरर जैसे आपको कोई एरर आ गई तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। देखो मान के चलो हम ये प्रिंट कर रहे थे क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं गलती से ये कॉमा हटा देता हूँ, ठीक है, जो कॉमा हटा दी मैंने, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, ये कुछ नहीं आया यहाँ पे, कुछ नहीं आया देखो यहाँ पे स्क्रीन पर। अब तुम सोचो ये गलती कहाँ पे हो गई, हमने सही लिखा है एफ डॉट फोन, है ना, प्रिंट क्यों नहीं हुआ एफ डॉट फोन यहाँ पे। अब आप चेक कैसे करोगे एरर, तो आप एक्सपेक्ट करोगे, जो एरर चेक करोगे ना आप कंसोल में जाकर चेक करोगे। आप कंसोल पे क्लिक करोगे, देखो एरर दे रहा है, दिख रहा है एरर, इस पर क्लिक करोगे, सिटी में एरर दिखा रहा है, देखो सिटी में एरर। अब सिटी कहाँ दी गई है देखो, बता रहा है ना, देखो लाइन नंबर 10, ये लाइन नंबर 10 पे आ गए, तो दिख गई एरर मुझे, सबको दिख रहा है ना, कंसोल में बता देता है एरर वो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। देखो सब लोग, अब जैसे मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, चल जाएगा कोड, देखो दिख रहा है। जब भी जावा इसके ब्राउजर पर रन ना हो तो आप कंसोल में जाकर चेक कर लेना, आपको एरर दिख जाएगी अपनी। क्लियर पॉइंट इतना।